हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं टर्टल की वीडियो सीरीज और इसी सिलसिले में आज हमको देखना है कि कैसे हम टर्टल को शो या हाइड करा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने टर्टल बनाना भी सीखा था, टर्टल को मूव करना भी सीखा था, तरह तरह के शेप्स भी हम लोगों ने ड्रॉ करके देखे थे। लेकिन वो टर्टल जो ट्रायंगुलर एरो आपको दिखता है वो हमेशा दिखता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको इस चीज़ को क्लियर करूं, तो मैं पहले कोड को ओपन कर लेता हूं। हमने जो कोड लिखा था, मैं इस कोड को अभी हटा रहा हूं जो पिछली क्लास में लिखा था। आप देखिए कि यहाँ स्क्रीन बनाने के बाद मैंने एक टर्टल बनाया। थोड़ी देर के लिए इस टर्टल को कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई टर्टल नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, आप नोटिस करिए कि सेंटर में एक टर्टल फिर भी दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में जो टर्टल दिखाई दे रहा है ये ना दिखाई दे। मैंने तो कोई टर्टल नहीं बना, तो भी बाय डिफॉल्ट यहां पे एक टर्टल होता है। तो आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो ये कैसे हटेगा उसको समझते हैं। तो आपको एक फंक्शन होता है टर्टल को हाइड करने के लिए, लेकिन वो फंक्शन आप कॉल कैसे करेंगे? तो टर्टल, ठीक है, टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से ही आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, टर्टल डॉट हाइड टर्टल, ठीक है। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कहीं पर भी वो मुझे टर्टल दिखाई नहीं दे रहा है, वो एरो मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको हमने कर लिया हाइड। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर हम खुद एक टर्टल बना लें, जैसे कि मैंने ये T1 नाम का एक टर्टल बना लिया, तो ये टर्टल तो मुझे दिखाई देगा। तो ये मैंने रन किया, अब देखिए टर्टल दिखाई दे रहा है। तो जो बाय डिफॉल्ट वाला टर्टल दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो T1 टर्टल हमने बनाया वो यहां पर दिख रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था जब आप हाइड नहीं करते थे, जैसे ये हाइड वाली लाइन को मैं हटा दूं, तो एक डिफॉल्ट टर्टल और एक T1 टर्टल हमने बनाया, तो दो टर्टल्स हो जाते थे। तो एक सेंटर पे टर्टल पूरे समय दिखता था और मैं T1 को मूव भी कराता था तो सेंटर पे भी एक एरो दिखता था, टर्टल दिखता था, और हमने जिसको मूव कराया वो भी दिखता था। चलिए उसको, इस बात को याद दिलाने के लिए मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, T1 डॉट गो टू 100,100। आप नोटिस करिएगा ये गो टू, मैंने अभी कोई हाइट टर्टल यूज नहीं करा है। आप नोटिस करिए दो टर्टल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जो सेंटर में बैठा हुआ टर्टल है वो डिफॉल्ट टर्टल है, और जो ऊपर 100,100 पे पहुंच चुका है वो T1 टर्टल है जिसको हमने अभी मूव कराया है। मैं दोनों को ही हाइड करना चाहता हूं, तो कैसे हाइड होगा? ये पहले तो डिफॉल्ट टर्टल को मैंने हाइड कर दिया है, और इसी तरीके से T1 टर्टल को भी ड्रॉ करने के बाद मैं हाइड करना चाहता हूँ। पहले ड्रॉ करने के पहले नहीं करना चाहता हूँ, बाद में करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा T1 डॉट हाइड टर्टल, ठीक। अब आप देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। आपने देखा जब लाइन ड्रॉ हो रही थी तब आपको टर्टल दिखाई दे रहा था, जो डिफॉल्ट टर्टल था वो तो मैंने पहले ही हाइड कर दिया था, लेकिन T1 टर्टल को मैंने हाइड किया है लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद। तो आप एक बार फिर मैं रन करता हूं, आप इसको नोटिस करिएगा, पहले टर्टल दिखेगा, ये देखिए थोड़ी देर के लिए दिखा था आपको टर्टल, क्योंकि टर्टल को मैंने हाइड कब किया है, जब टर्टल दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया है, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। इतना भी अगर आप टर्टल नहीं देखना चाहते हो तो ये हाइड टर्टल को आप गो टू के पहले लगा दो, ऑब्वियसली T1 टर्टल बन जाने के बाद, लेकिन गो टू के पहले। तब आप देखिए आपको टर्टल दिखेगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ लाइन ड्रॉ होते हुए दिखेगी। तो इस तरीके से आप टर्टल को हाइड कर सकते हैं। अच्छा, हाइड करने के लिए जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, हाइड टर्टल, दिस इज अ फंक्शन हाइड टर्टल। अगर आपको ये नाम बड़ा लगता है तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ HT लिखने का, हाइड टर्टल HT। इसी का काउंटर पार्ट है शो टर्टल, तो शो टर्टल, और इसका भी शॉर्ट है ST। तो अभी जो टर्टल को हमने छुपा दिया है उसको हम शो भी करा सकते हैं।
तो सपोज करिए कि मैं इसको कहीं और पहुंचा देता हूं, t1 डॉट गो टू 200 एंड -250, ठीक है, इसको नीचे पहुंचा रहा हूं। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि टर्टल दिखने लगे, तो t1.st शो टर्टल। डिफॉल्ट टर्टल तो अभी भी मैंने शो नहीं करा है, अगर डिफॉल्ट टर्टल को भी दिखाना है तो turtle.st लिखेंगे। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए, पहले ये ड्रॉ हो गया, लास्ट में हमें टर्टल दिख रहा है जहां पर हमने टर्टल को शो कराने का कोड लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप कितने भी टर्टल्स बनाइए, किसी भी टर्टल को कभी भी आप शो कर सकते हैं, कभी भी हाइड कर सकते हैं, ये भी अब आपने सीख लिया। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे और टर्टल के बारे में जानेंगे और बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ें अब शुरुआत होने वाली हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ का अगर कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई है, तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। बाकी मेरे सभी काम की जानकारी हासिल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट्स के लिंक्स देख सकते हैं और मेरे बाकी के काम की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।